हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओब्लिवियन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, और ये आवाज होती है जैक हॉपर की। वो बताता है कि आज से 60 साल पहले धरती पर एलियंस ने हमला किया। इन एलियंस को स्केवेंजर्स कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले चांद को तबाह कर दिया, और इसकी वजह से धरती पर भूकंप आए, सुनामी आई, और पूरी धरती उथल पुथल हो गई। और जब इंसान इन सब आपदाओं से जूझ रहे थे, तब उन्होंने यानी कि स्केवेंजर्स ने अपनी एक टीम भेजी ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। और अब इंसानों के बीच में और स्केवेंजर्स के बीच में एक युद्ध हुआ, और इंसानों को अपने आप को, अपनी धरती को बचाने के लिए परमाणु का इस्तेमाल करना पड़ा। इंसान ये जंग जीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी धरती को खो दिया। और इसके बाद इंसानों को अपनी धरती को छोड़कर शनि ग्रह, जिसे सैटर्न कहा जाता है, उसके सबसे बड़े चांद टाइटन पर भेज दिया गया। लेकिन टाइटन पर जाने से पहले इंसानों ने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। इसका नाम होता है टेट, और ये इस पूरे मिशन को कंट्रोल करता है जो धरती पर अभी चल रहा है। धरती पर अभी सिर्फ दो इंसान है, एक है जैक हार्पर और दूसरी विक्टोरिया, और ये यहाँ पर एक खास मकसद से है। दरअसल इंसानों ने समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े हाइड्रो रिक्स लगाए होते हैं, जो समंदर के खारे पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं, और इसी फ्यूजन एनर्जी से टाइटन पर बसे हुए लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए जो वातावरण, जो चीजें चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उन्हें इन हाइड्रो रिक्स से मिलती है। वैसे तो इंसान एलियन से, जिन्हें स्केवेंजर्स कहा जाता है, उनसे जंग जीत चुके हैं, लेकिन आज भी धरती पर बहुत सारे स्केवेंजर्स छुपे हुए हैं, और वो इन्फ्यूजन एनर्जी को बनाने वाले हाइड्रो रिक्स को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसीलिए विक्टोरिया और जैक हार्पर यहाँ पर होते हैं। दरअसल इंसानों ने स्केवेंजर्स से लड़ने के लिए एक खास तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स बनाए होते हैं, जो स्केवेंजर्स को मारते हैं और समंदर में बड़े बड़े हाइड्रो रिक्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब इंसान इन ड्रोन्स को खराब कर देते हैं, तो उन ड्रोन्स को रिपेयर करने का काम जैक हार्पर का होता है, और विक्टोरिया उसकी साथी है। वो ऊपर स्टेशन से उसे गाइड करती है, उस पे नजर रखती है, और ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब इस कहानी में एक चीज और अजीब होती है। इन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि आज से 5 साल पहले इन दोनों की याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया गया होता है, और ये वक्त होता है सन 2077, यानी कि सन 2072 में इन दोनों की मेमोरी को मिटा दिया गया होता है। लेकिन जैक हार्पर को आज भी कुछ सपने आते हैं जो उसे सताते हैं। उसके दिमाग में कई सवाल हैं। उसे लगता है कि आज भी धरती उसका घर है, लेकिन विक्टोरिया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। विक्टोरिया खुश होती है, क्योंकि आज से ठीक 2 हफ्ते बाद ये यहाँ से हमेशा के लिए टाइटन पर चले जाएंगे और बाकी इंसानों के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इनके स्क्रीन पर, इनके मॉनिटर पर बार बार एक लेडी आती है। इसका नाम सैली होता है, और ये टेट से बोल रही होती है। टेट वो स्पेस स्टेशन है जो इंसानों ने बनाया है, और ये इन दोनों को गाइड करती है, और ये दोनों उसके आदेशों का पालन भी करते हैं। अब इन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके 2 ड्रोन्स खराब हो चुके हैं, और जैक उन्हें रिपेयर करने के लिए धरती पर जाता है। दरअसल इनका जो स्पेस स्टेशन होता है, वो धरती से बहुत ऊंची जगह पर होता है, ताकि स्केवेंजर्स इन पर हमला ना कर सके। अब जैक उन 2 ड्रोन में से 1 ड्रोन को ढूंढकर रिपेयर कर देता है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता होता कि उनका दूसरा ड्रोन कहां पर है, और इसीलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपनी एक बाइक निकालता है, और उस बाइक से वो अपने दूसरे ड्रोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जैक के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्केवेंजर्स रात को इनकी ड्रोन्स को खत्म करते हैं, और दिन को वो जैक को मारना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जैक अपनी जान की परवाह किए बगैर उस ड्रोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और जब वो आगे जाता है, तो उसकी बाइक के रडार में उस दूसरे ड्रोन की लोकेशन आ जाती है कि धरती के नीचे एक सुरंग होती है, वहां पर उनका ड्रोन है। हालांकि विक्टोरिया उसे मना करती है कि वो वहां पर ना जाए, लेकिन जैक फिर भी वहां पर जाता है। वहां पर चारों तरफ अंधेरा होता है, और जैक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां से उसकी ड्रोन की लोकेशन आ रही होती है, और वो उस तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। और जब वो उस जगह पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहां पर ड्रोन नहीं होता, बल्कि उसका सेंसर रखा होता है जो उसे इस जगह की लोकेशन बता रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है जो स्केवेंजर्स ने उसके लिए बनाया है,
और इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल पाता, उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो रस्सी उसे खींचना शुरू कर देती है। लेकिन जैक उस रस्सी पर गोली मारकर अपने आप को छुड़ा लेता है और वो जल्दी से उस तरफ जाता है जहां से आया होता है। और जब वो उस रस्सी से ऊपर जाता है जिस रस्सी से वो नीचे आया होता है, तभी कोई बाहर से रस्सी को काट देता है और जैक नीचे गिरता है। और यहां पर चारों तरफ स्कैवेंजर्स होते हैं। दरअसल स्कैवेंजर्स इसे मारना नहीं चाहते। अगर उसे मारना चाहते तो कब का मार देते, वो इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अब इससे पहले कि स्कैवेंजर्स इसे पकड़ते, वहां पर एक ड्रोन आ जाता है और वो ड्रोन वहां पर जितने भी स्कैवेंजर्स होते हैं सबको मार देता है और इस तरह से जैक की जान बच जाती है। अब वहां पर जैक को एक धार्मिक किताब भी मिलती है। जैक उसे उठाता है और इसके बाद वो उस जगह से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बाइक वहां पर नहीं होती। इस बात से जैक को गुस्सा आता है कि स्कैवेंजर्स उसकी बाइक ले गए। और इसके बाद जैक वापस अपने स्टेशन पर आ जाता है। आज जैक की जान जाते जाते बची है और साथ ही साथ उसने एक ड्रोन भी खोया है। अब रात को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट होता है इनके हाइड्रो रिग्स पे, जो समंदर के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मशीन है, और ये इनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैक अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर वहां पर जाता है और वो देखता है कि उनका हाइड्रो रिग्स पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये स्कैवेंजर्स ने किया होता है, और स्कैवेंजर्स ने इस ब्लास्ट को इन्हीं के ड्रोन से निकाले हुए एक फ्यूल सेल से किया होता है, क्योंकि इनके ड्रोन में जो फ्यूल सेल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। अब जब जैक वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि धरती से अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल भी भेजे जा रहे होते हैं और ये काम स्कैवेंजर्स का होता है। और वो उस जगह जाता है जहां से ये सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं, वहां पर कोई नहीं होता, और वो उस कनेक्शन को काट देता है। और कनेक्शन काटने के बाद वो अपनी साथी विक्टोरिया को बोलता है कि मैं इस पूरी जगह का जायजा लेना चाहता हूँ, और वो रेडिएशन जोन की तरफ जाता है। विक्टोरिया उसे मना करती है। जैक उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। दरअसल यहाँ पर एक रेडिएशन जोन होता है और उस रेडिएशन जोन को इन्हें पार करना अलाउ नहीं होता। इनके मुताबिक अगर ये उस पार जाएंगे तो ये जल जाएंगे, और इसीलिए जैक ने कभी भी इस रेडिएशन जोन के बॉर्डर को पार नहीं किया होता। जैक विक्टोरिया से बोलता है कि मैं अब शायद तुमसे संपर्क से हट जाऊं, और वो उससे संपर्क से हट जाता है। और वो वहीं पर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां पर उसने घर बनाया होता है, और वहां पर उसने धरती पर मिली हुई काफी सारी चीजों को इकट्ठा किया होता है, क्योंकि जैक को आज भी लगता है कि धरती रहने लायक है और धरती उसका घर है, इसीलिए उसने ऐसा किया होता है। अब जैक जब उस जगह पर एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे आसमान से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर उतरता हुआ नजर आता है, और जैक जल्दी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे बैठता है और उस तरफ जाता है, और वो विक्टोरिया से भी बात करता है। वो कहता है कि मुझे आसमान से एक अनजानी चीज धरती पर उतरती हुई नजर आई और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। विक्टोरिया कहती कि ठीक है। तभी विक्टोरिया की स्क्रीन पर सैली आती है और सैली उसे बोलती है कि तुम जल्दी ऑफलाइन जाने वाले हो, और जैक को कहे कि वो वापस आ जाए, इस सारी सिचुएशन को ड्रोन संभाल लेंगे। और विक्टोरिया जैक को ऐसे ही बोलती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं साइट की सुरक्षा चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसका निरीक्षण खुद करूंगा। और जैक उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो अनजानी वस्तु धरती पर उतरी है उसमें से बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स भी गिरे होते हैं, और उन स्लीपिंग चैम्बर्स में इंसान होते हैं, और वो ये देखकर हैरान होता है। तभी वहां पर ड्रोन्स आ जाते हैं और वो ड्रोन्स उन स्लीपिंग चैम्बर्स में जितने भी इंसान होते हैं उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। और अब ये ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सैली ऑफलाइन जा चुकी है और वो उससे बात नहीं कर सकते, और सैली इन सभी ड्रोन्स को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी जैक एक स्लीपिंग चैम्बर में लड़की को बचा लेता है और वो उसे अपने स्टेशन पर ले आता है। हालांकि विक्टोरिया नहीं चाहती कि वो उसे लेकर आए, लेकिन जैक फिर भी उसे ऊपर ले आता है। और जब वो उसे ऊपर लेकर आते हैं तो वो उसका स्लीपिंग चैम्बर खोलते हैं और वो होश में आ जाती है। वो बहुत कमजोर होती है क्योंकि वो कई सालों से इस स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई है। वो बताती है कि मेरा नाम जूलिया है, और वो विक्टोरिया को और जैक को बहुत हैरानी से देखती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि तुम्हारी टीम में से अब कोई भी नहीं बचा, और वो उसे ये भी बताती है कि तुम पिछले 60 सालों से गहरी नींद में हो, और इन 60 सालों में धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। अब धरती पर कोई इंसान नहीं है, सबके सब टाइटन पर जा चुके हैं। वो उसे पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन जूलिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो कहती कि सबसे पहले मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, और फ्लाइट रिकॉर्डर अभी भी नीचे होता है जहां पर इनका क्रैश हुआ है, और रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि स्कैवेंजर्स रात को ही घूमते हैं, इसीलिए रात को वहां पर नहीं जा सकते। अब जब विक्टोरिया और जैक अकेले होते हैं, जैक विक्टोरिया से पूछता है क्या तुम्हें मिशन से पहले का कुछ भी याद है, क्योंकि इनकी मेमोरी को वाइप यानी कि मिटा दिया गया होता है। विक्टोरिया बोलते कि हमारा काम है याद ना करना, और वो जैक को ये भी बोलते कि हमें नहीं पता कि ये कौन है या क्या है,
और इसके बाद विक्टोरिया वहां से चली जाती है। विक्टोरिया के जाने के बाद जैक जूलिया के पास जाता है। जूलिया जैक से पूछती है कि अब क्या होगा। जैक उसे बताता है कि सुबह टेट ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद वहां से कोई आएगा और तुम्हें यहां से ले जाएगा। जूलिया पूछती है टेट से, जैक बोलता है कि हाँ। जूलिया से बोलती है कि मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। हालांकि जैक नहीं जाना चाहता, लेकिन जूलिया उसे मना लेती है और विक्टोरिया की इजाजत के बिना ये दोनों वहां पर चले जाते हैं। और जब भी वहां पर जाते हैं तो इन्हें इनका फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर स्कैवेंजर्स आ जाते हैं और वो जैक को बेहोश कर देते हैं और अब जैक उनके कब्जे में है। और जब सुबह जैक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसे एक स्पॉटलाइट पर बिठा रखा होता है और उसके सामने अंधेरे में कोई बैठा होता है। और तभी वहां से आवाज आती है, मैं तुम्हें काफी समय से देखता रहा हूं, तुम हमेशा उत्सुक रहे हो, तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो जैक? जैक कहता है कि मेरी यादों को मिटा दिया गया है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान पाओगे। वो आवाज कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यादों को मिटा दिया गया है, तुम्हारी बेशकीमती यादें, क्योंकि कहीं वो गलत हाथों में ना लग जाए, इसीलिए। वो आवाज उसे कहती है, क्या तुमने कभी स्कैवेंजर्स को देखा है? जैक इस बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी वो आदमी कहता है लाइट्स, और वहां पर लाइट चल जाती है और वहां पर चारों तरफ इंसान होते हैं। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है और वो आदमी जो उसके सामने बैठा होता है वो स्कैवेंजर्स यानी कि इंसानों का लीडर होता है। वो कहता है कि जैक हम एलियंस नहीं है, हम इंसान है, और जिन ड्रोन्स को तुम रिपेयर करते हो वो इंसानों को मारने के लिए बनाए। तुमने देखा उन स्लीपिंग चैंबर्स में जो लोग थे, उन ड्रोन्स ने उनके साथ क्या किया। और इसके बाद मैलकॉम जो कि इंसानों का लीडर है वो उसे एक ड्रोन के पास ले जाता है और वो जैक को बोलता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और एक ड्रोन भी है, लेकिन इस ड्रोन को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रोन हमें नहीं जानता लेकिन तुम्हें जानता है, और हम चाहते हैं कि तुम इस ड्रोन को यहां से सीधा टेट तक भेजो। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि ये इस ड्रोन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे और ये ड्रोन न्यूक्लियर बॉम्ब को टेट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा और उसे ब्लास्ट कर देगा। जैक बोलता है कि वहां पर भी इंसान ही है और जैक ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए मना कर देता है। तभी इन्हीं में से एक आदमी जैक को गोली मार देता है, लेकिन उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग सूट होता है कि उसे कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पर ड्रोन्स आ चुके हैं क्योंकि उन्हें जैक के डीएनए से यहाँ का रास्ता पता चल चुका होता है। ड्रोन्स बाहर होते हैं और ये लोग उन ड्रोन्स को गिराने के लिए उन्हें मारने के लिए बाहर चले जाते हैं और मैलकॉम जैक और जूलिया को दूसरे रास्ते से बाहर ले जाता है और वो जैक को बोलता है तुम रेडिएशन वाले जोन में क्यों नहीं जाते, मैं वहां जा चुका हूँ, तुम्हें सच वहीं मिलेगा। वहां बाहर जैक की वो बाइक भी होती है जो एक बार गायब हो चुकी होती है और मैलकॉम उन दोनों को वो बाइक दे देता है और जैक और जूलिया उस बाइक से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाइक से कुछ देर सफर करने के बाद उनकी बाइक की बैटरी डाउन हो जाती है और उन्हें वहां से पैदल जाना पड़ता है। अब वहां पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होती है और जैक और जूलिया उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब तक विक्टोरिया को भी ये पता चल जाता है कि जैक सही सलामत है और वो उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ भेज देती है। यहाँ पर जैक जूलिया से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओडिसी है जो क्रैश हुआ था उस पर क्या कर रही थी। जूलिया जैक को बताती है कि ये टाइटन पर जाने वाली रिसर्च फ्लाइट थी और ये मेरी पहली फ्लाइट थी, लेकिन लॉन्च होने से 6 हफ्ते पहले हमें स्कैनर पर एक एलियन शिप यानी कि एलियन ऑब्जेक्ट नजर आया और हम सबको डेल्टा स्लीप में डाल दिया गया और तुम भी हमारे साथ उस मिशन में थे, शायद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें और विक्टोरिया को जगाया होगा। और जो एलियन ऑब्जेक्ट हमें स्कैनर पर दिखा था वो और कोई नहीं बल्कि टेट था। उसकी बातों पे जैक को यकीन नहीं होता, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। और तब जूलिया उसे बताती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं और ये सुनने के बाद जैक शॉक्ड हो जाता है। और तब जूलिया उसे बताती कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। और जूलिया उसे एक अंगूठी दिखाती है और ये वो अंगूठी होती है जो जैक ने कभी उसे दी थी। और उस अंगूठी को देखने के बाद जैक को सब कुछ याद आ जाता है, उसे याद आ जाता है कि वो उसकी पत्नी है। और जब उसे गले लगाता है तभी वहां पर उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कैमराज होते हैं और उन कैमराज के थ्रू विक्टोरिया देख लेती है कि जैक जूलिया को गले लगा रहा है और उसे लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है। लेकिन अब जैक को पता है कि टेट एक एलियन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो जल्दी से जूलिया को लेकर अपने स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोलती, जैक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो टेट से संपर्क करती है। टेट को बोलते कि हमारे बीच में अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा। टेट से सैली की आवाज आती है, क्या तुम अभी भी एक इफेक्टिव टीम हो? और विक्टोरिया बोलती कि नहीं, हम इफेक्टिव टीम नहीं है। और तभी वहां पर दरवाजे खुल जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रोन होता है और वो ड्रोन बाहर आता है और विक्टोरिया को मार देता है और इसके बाद वो जैक को भी मारने वाला होता है।
लेकिन तभी जूलिया जैक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठ जाती है और वहां से गोलियां चलाती है, जिससे वो ड्रोन ऑफ हो जाता है और इस तरह से जैक की जान बच जाती है। तभी मॉनिटर पर स्क्रीन पर सैली आती है और जैक उससे बोलता है कि तुमने क्या किया, तुमने विक्टोरिया को मार दिया। वो कहती है कि कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, तुम इस नई सर्वाइवर को जिसका नाम जूलिया है इसे लेकर ऊपर टेंट पर आ जाओ। लेकिन जैक वहां से जूलिया को लेकर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर निकल जाता है और अब जैक का पीछा काफी सारे ड्रोन्स करते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन जैक भी उन पर हमला करता है और इसी मुठभेड़ में जैक रेडिएशन वाले इलाके में चला जाता है। ये दोनों के दोनों अब उस इलाके में हैं जहां पर ये आज से पहले कभी भी नहीं गए। अब ये पूरा एक रेगिस्तान होता है और वहां पर जैक ये देखता है कि एक आदमी एक ड्रोन को रिपेयर कर रहा होता है और भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और उसे मना करता है। और तभी वो आदमी जैक के ऊपर गन तान देता है और जब जैक उस आदमी की शक्ल देखता है तो पूरा स्तब्ध हो जाता है क्योंकि वो जैक का ही एक दूसरा रूप होता है, हूबहू जैक। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच एक गोली चल जाती है और वो गोली जूलिया को लग जाती है। लेकिन जो जैक होता है वो दूसरे यानी कि अपने क्लोन को किसी तरह से बेहोश कर देता है और अब जैक को अगर जूलिया को बचाना है तो उसको मेडिकल किट किसी भी हालत में लानी होगी। और जैक देखता है कि वहां पर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें लिखा होता है टेक 52 और जैक का नंबर होता है टेक 49। जैक उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठता है और कहता है मेरा नाम है जैक हार्बर टेक 52 और वो एक्सेस कर जाता है और वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठकर उनके स्टेशन पर जाता है। और जब वहां पर जाता है और मेडिकल किट लेकर वापस आ रहा होता है तो वहां पर उसको विक्टोरिया भी मिलती है। हालांकि इनके स्टेशन पर विक्टोरिया मर चुकी है लेकिन यहां पर एक और विक्टोरिया होती है। जैक उसे बोलता है तुम मेरे साथ नीचे क्यों नहीं चलती, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है, वो कहते कि ये रूल्स के खिलाफ है। और जैक वहां से मेडिकल किट लेकर वापस आ जाता है और वो जूलिया को अपनी वाइफ को उस मेडिकल किट से ठीक करके सीधा मेलकम के पास जाता है, मेलकम जो इंसानों का लीडर है और अब वो सारा सच जान चुका है, वो इंसानों का साथ देना चाहता है। और जो ड्रोन उनके पास होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो उसे प्रोग्राम करता है ताकि वो टेट तक जाए और टेट को पूरी तरह से निश्चित नाबूद कर दे। मेलकम यहाँ पर जैक को ये बताता है कि जब उन्होंने हमारे चांद को तबाह किया उस वक्त मैं यहीं पर था, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं आई और सब इंसान यहाँ पर भूख से मर रहे थे। उसके बाद टेट ने अपनी सेना भेजी, दरवाजे खोले और तुम निकले हजारों की तादाद में। एस्ट्रोनॉट जैक हार्बर, तुम्हारी याददाश्त मिटी हुई थी और तुम्हें प्रोग्राम किया गया था इंसानों को मारने के लिए। इसके बाद इस जंग का फेज 2 आया और एक बार फिर तुम आए एक टेक्नीशियन एक रिपेयरमैन के रूप में। मेलकम जैक को बताता है कि टेट एक के बाद एक कई प्लैनेट्स को अपना शिकार बना चुका है और पिछले 50 सालों से लगातार ये हमारी धरती को सुखा रहे हैं। दरअसल मेलकम की जैक के ऊपर विश्वास करने की दो वजह होती है, एक उसने जूलिया को बचाया होता है और दूसरा जब एक बार वो एक ड्रोन को ढूंढने के लिए नीचे गया होता है तो वहां पर उसने एक किताब उठाई थी और वो एक पवित्र किताब होती है और उसने उसका अध्ययन किया होता है। और मेलकम समझ जाता है कि जैक के अंदर एक इंसान जिंदा है। अब जैक उस ड्रोन को तैयार कर देता है ताकि वो टेट तक जाए और उसे ब्लास्ट कर दे। लेकिन तभी वहां पर और भी ड्रोन्स आ जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। और इस जंग में जिस ड्रोन को इन्होंने ऊपर टेट तक जाने के लिए प्रोग्राम किया होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और इनकी सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती है। जैक बोलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को मैं ऊपर ले जाऊंगा। मेलकम उसे बोलता है कि टेट तुम्हें मक्खी की तरह मसल देगा। तभी जूलिया बोलते कि अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि टेट ने जैक को मुझे ऊपर लाने के लिए कहा है। और अब ये तय करते हैं कि जूलिया और जैक ऊपर जाएंगे और वो जूलिया को एक स्लीपिंग चैम्बर में रखते हैं और जैक उसे अपने साथ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बिठा कर टेट की ओर निकल पड़ता है। और जब वो टेट की ओर जा रहा होता है तो वो उस फ्लाइट रिकॉर्डर को भी चलाता है जिसे जूलिया अपने क्रैश शिप से लेकर आई होती है। और उसे चलाने के बाद उसे पता चलता है कि वो नासा के एक मिशन जिसमें वो टाइटन को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं वो उस मिशन का कमांडर होता है और विक्टोरिया उसकी को पायलट होती है। और सैली जो बार बार इन्हें मॉनिटर पर दिखती है वो इनकी डायरेक्टर होती है जो अर्थ से इन्हें गाइड कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मिशन पर जाते इन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखता है और नासा इनके मिशन को बदल देता है और वो इन्हें एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ भेजता है। और ये एलियन ऑब्जेक्ट टेट होता है जिसे जैक इंसानों का स्पेस स्टेशन समझता है। और जब इनकी पूरी टीम टेट के आसपास पहुंचती है तो इनका नियंत्रण इनके स्पेसशिप से छूट जाता है और इनके स्पेसशिप को अब टेट नियंत्रण कर रहा होता है
और वो इनके स्पेसशिप को अपनी ओर खींच रहा होता है। लेकिन तभी जैक अपने स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें बाकी लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए होते हैं, और वो हिस्सा उनके स्पेसशिप से अलग हो जाता है और वो 60 सालों तक अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और ये वही हिस्सा होता है जिसमें कुछ ही दिनों पहले जूलिया अर्थ पर आई थी। अब उस हिस्से को अलग करने के बाद इनका स्पेसशिप अपने आप ही टेट के अंदर चला जाता है। जैक को अब सब याद आ चुका है कि उनके साथ क्या हुआ था, और अब प्रेजेंट टाइम में एक बार फिर जैक टेट के सामने है और वो टेट के अंदर चला जाता है। तभी उसकी साइड में दो ड्रोन्स आते हैं और सैली की आवाज आती है। सैली कहती है कि तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, ऐसा क्यों है? जैक बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। सैली बोलती है कि हाल ही में तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जैक कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है। सैली कहती है कि तुम्हारी आवाज से पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं, तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जिंदा रहे, हमारी प्रजाति जिंदा रहे, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और ये उसने सच का होता है क्योंकि वो चाहता है कि इंसान जिंदा रहे। और अब सैली उसे कहती है कि अंदर प्रवेश करो, और जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि वहां पर उसके और विक्टोरिया के हजारों क्लोन्स होते हैं। दरअसल टेट ने, यानी कि इस मशीन ने, जैक के और विक्टोरिया के हजारों क्लोन्स बनाए होते हैं। और ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और वो आगे जाता है और वो उस जगह पर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैंड करता है जहां पर वो आवाज होती है, यानी कि जहां पर सैली होती है। दरअसल सैली नाम की कोई लेडी होती नहीं है, वो सिर्फ एक कंप्यूटराइज नकली इमेज होती है जो नासा में कभी काम किया करती थी। और अब जैक अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उस चैम्बर को निकालता है जिसके अंदर जूलिया है, लेकिन उसके अंदर जूलिया नहीं होती बल्कि मैलकम होता है। और वो दोनों अपने साथ जो बॉम्ब लेकर आए होते हैं उससे इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, और इस तरह से जैक, मैलकम, टेट, इन सब का खात्मा हो जाता है। वहीं अर्थ पर ये दिखाते हैं कि जूलिया की आंख खुलती है और वो उस लेक हाउस पर होती है जहाँ पर जैक ने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की होती है। दरअसल वो जैक के साथ यहाँ पर पहले भी आ चुकी होती है, और जब वो आसमान में टेट को ब्लास्ट होते हुए देखती है तो समझ जाती है कि जैक अब इस दुनिया में नहीं रहा। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल हो जाते हैं, और 3 साल के बाद ये दिखाते हैं कि जूलिया की एक छोटी बेटी है जो जैक और उसकी बेटी है। और तभी सामने कुछ आदमी आते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो मैलकम के लोग थे जो टेट से लड़ते थे, और इनके साथ जैक 52 भी होता है, यानी कि ये जैक का क्लोन नंबर 52 होता है जिसके साथ रेडिएशन वाले इलाके में जैक 49 ने लड़ाई की थी। और अब इसको सब कुछ याद आ चुका है क्योंकि जब भी जैक 47 से मिला था तो इसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो गई थी, और जब ये जूलिया को देखता है तो इसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इसे अपने घर को, जूलिया को ढूंढने में 3 साल लग जाते हैं, और इसके बाद ये यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। दरअसल जो एलियन मशीन टेट होती है वो जैक के कई सारे क्लोन्स बना के रखती है और उन सबको अलग अलग नंबर देती है। जो पहला जैक होता है जिसने टेट को मारा होता है उसका नंबर 49 होता है, और ये जो दूसरा जैक होता है इसका नंबर 52 होता है। और एलियन मशीन टेट ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे को देखे, इसीलिए वो इन्हें ये बोलती है कि रेडिएशन वाले इलाके में आप नहीं जा सकते। दरअसल रेडिएशन वाला कोई इलाका होता ही नहीं है। उस इलाके में जैक का दूसरा क्लोन होता है जो ड्रोन्स की मरम्मत करता है। तो ये थी पूरी कहानी ओब्लिवियन की। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और ये एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म का बजट था $120 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $287 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।